अगर कंसेप्ट आ जाए कोलिनियर का, कोलिनियर मींस व्हेन थ्री पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन. विजिबल नहीं है तो पीछे चले जाओ, विजिबल है नहीं तो इस वाले बेंच पे आ जाओ. ठीक, थ्री पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो कोई शेप फॉर्म नहीं होती. अब जब कोई शेप ही फॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब इस फिगर का एरिया क्या होगा, लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो. ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया क्या है, जीरो. और अगर ये तीन पॉइंट की बजाय दो पॉइंट तो लाइन पे आ रहे हैं, एक कहीं बाहर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का एरिया तो होता है. ठीक है, इसका मतलब थ्री पॉइंट्स हैं, अगर वो कोलिनियर है तो नो शेप इज फॉर्म्ड, दे विल लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, देयर एरिया इज जीरो. बट इफ वन पॉइंट आउट ऑफ दीज थ्री विल लाई आउटसाइड द लाइन एंड दैट विल गिव यू अ ट्रायंगल, देन यू कैन फाइंड द एरिया इन दैट केस. बट दिस टॉपिक इज रिलेटेड, पर मैं आपको फिर भी एक बार एक क्वेश्चन आइडिया के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यही कंसेप्ट कोलिनियर में यूज होना है तो वो क्वेश्चन वन मार्क में आ सकता है, काफी टाइम आता भी है पहले भी. फाइंड कैसे करना है एरिया, देखो क्वेश्चन नंबर वन, 7.3, 2, 3 माइनस 1, 0 2 माइनस, ये थ्री वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के. ठीक है, ये फर्स्ट वर्टिस है x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है, तीन वर्टिसेस होते हैं. फॉर्मूला क्या है, आपने फर्स्ट वाले को दोबारा रिपीट करना है. ये हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बना रहे हैं. वैसे तो फॉर्मूला बुक में डायरेक्ट लिखा है, लेकिन वो लर्न जब आप करते हो तो मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस हैं. ये इजी है. ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड फर्स्ट वन विल बी रिपीट. इसमें 2 कॉमा यहां पर भी, अच्छा 2 कॉमा. ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया. अब देखो इधर एरिया फाइंड कैसे करना है. एरिया के लिए हाफ मॉड, मॉड मींस पॉजिटिव वैल्यू इट विल गिव. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव तो मॉड आता है. क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, जीरो. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. पहली तीन वैल्यूज को प्लस कर दिया जो इधर से आएंगे. ठीक है, बीच में आएगा माइनस. अब रिवर्स, यहां से यहां चलेंगे, क्या आएगा, माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज एंड मॉड. ठीक है, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला कहना चाहिए अगर आपकी, अगर हम फॉर्मूला फ्रेम करना चाहें, ये x1 y1 ये x2 y2 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 y2 फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो जो आएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे, लेकिन करना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने का वे है, मैं आपको बस यही बता रही हूँ. एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, बस हाफ एरिया फाइंड कर लेते हैं. कितना हो गया, 10, ये कितना आ गया, माइनस इलेवन आ गया ना, माइनस ऑफ माइनस इलेवन प्लस हो गया, कितना हो गया 21, मॉड से बाहर आएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, अपॉन 2 स्क्वेयर यूनिट. एरिया क्या आ गया, 10.5 स्क्वेयर यूनिट. एनी डाउट, आए की होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, इसका साइन है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है ये, जिसको मॉडुलस कहते हैं या मॉड कहते हैं. पूरा नहीं मॉडुलस है, शॉर्ट में मॉड कहते हैं, मॉडुलस, वैसे मॉडुलस है ये. ठीक है, ये क्लियर है. इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में जानवी, क्वेश्चन नंबर टू में के मिसिंग है, थ्री कोऑर्डिनेट्स है, 7 -2 5 1 3 k, फर्स्ट विल रिपीट, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग वेरिएबल k. ठीक है, रवनीत नोट कर लो,
या आपने यहाँ पे के फाइंड करना। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एरिया जीरो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एरिया इक्वल टू जीरो। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हाफ मॉड करो मल्टीप्लाई 7 5k माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस, जैसे रिवर्स चलो 7k 3 माइनस 10 ठीक है। हमने क्या किया है, जब इधर से मल्टीप्लाई किया तब भी पॉजिटिव, जब इधर से मल्टीप्लाई किया तब भी पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस हो रहे थे तो बीच में माइनस का साइन आया। ब्रैकेट खोलोगे तो सबका साइन चेंज ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 5k, इसको सॉल्व कर लो, 7k माइनस 7 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 5k माइनस 7k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 8। अब आपको ये पता है कि मॉड विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, तो जब ये रूट से बाहर, ये मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा, साइन नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं साइन चेंज होगा? अगर इसका साइन चेंज करना है ना, तो एक तरीका तो ये है कि माइनस कॉमन ले लो पहले और बाद में माइनस का प्लस बन जाएगा, लेकिन ये जो टर्म है पूरी ये पॉजिटिव कंसीडर होगी क्योंकि हमें के की वैल्यू नहीं पता। हो सकता है के नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, नहीं पता हमें कुछ भी, तो ये पूरी टर्म एज इट इज बाहर आ जाएगी, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। वैसे पॉजिटिव ही आ रहा है लेकिन ये जो टर्म है ना, ये टर्म पॉजिटिव कंसीडर होगी अभी, क्योंकि अगर आप देखो एक तरीका और भी है, या तो आप इसका नेगेटिव कॉमन ले लो, ऐसे कर लो तो क्या बन, ये नेगेटिव है अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो के फोर आए, नेगेटिव कॉमन लेके पॉजिटिव बनाते हो तब भी, या इसको एज इट इज पॉजिटिव कंसीडर करते हो तब भी आंसर सेम आ, ठीक है जो मर्जी शो कर दो, दोनों ही चलेंगे। That's it about this topic. तो इसमें सिर्फ एरिया डिस्कस करना था, कोलिनियर हो एरिया इक्वल टू जीरो, फॉर्मूला लगा के K निकाल ले। मिसिंग वेरिएबल वाला क्वेश्चन आता है वैसे पेपर में, वो नहीं आता, ये आता है अगर आएगा तो, जितने भी बार आया वो यही क्वेश्चन आया ठीक है। एक्चुअली एरिया का टॉपिक नहीं है, कोलिनियर है एरिया नहीं है। तो कोलिनियर जो है वो दो मेथड से होता है, एक फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन किया था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दो याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन सेगमेंट है उसपे तीन पॉइंट है, ए बी और बी सी का सम मिला के क्या बनना चाहिए, ए सी, थर्ड क्वेश्चन किया था। एक तो ये ऐसे कर सकते हो या एरिया वाले कंसेप्ट से कर सकते हो, मैंने आपको ये और ये दोनों ही बता दिए। पेपर में अगर आ जाए तो आप ये वाला मेथड करोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी बात ये कि उसमें रूट में आंसर आता है, आपको ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि किसको प्लस करके इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा, रूट थोड़ी सॉल्व करते हो आप, इसलिए इसलिए ये बेटर है अगर कोलिनियर का कंसेप्ट आ जाए तो एरिया वाले से सॉल्व करके आंसर मार्क कर दे ठीक है। जब एरिया का क्वेश्चन आता है ना, जब कोलिनियर का क्वेश्चन आता है तो मिसिंग वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, एरिया नहीं पूछता आपसे, आपसे ये पूछता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बताओ के क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है ये आता है, तो दोनों कंसेप्ट मिक्स होके आएंगे, आएगा कोलिनियर का लेकिन यूज हो रहा है एरिया, लेकिन एरिया डायरेक्टली देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है ठीक है। मतलब आपसे एरिया के बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोलिनियर पूछेगा, तो कोलिनियर में इनडायरेक्टली एरिया अपने आप यूज हो रहा है, और वो भी क्वेश्चन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो बड़े वाला मेथड तो आपके पास है। अगर आप यही वाला क्वेश्चन इससे करते हो ना, नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप करके देखना के में कितनी इक्वेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व ही नहीं करने आएगी, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है सारा, ए बी भी रूट में है, बी सी भी रूट में है, सी ए भी रूट में है ठीक है, तो वो डिफिकल्ट है, इसलिए एरिया का बताया आपको। हाँ जी वो हट जाएगा, मॉड का मतलब ही यही है कि अगर नेगेटिव टर्म है बाहर आके पॉजिटिव हो जाए। अब एक और चीज सुन लो, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रही हूँ आपको,
क्वेश्चन नंबर थ्री करना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज बतानी है, वो देख लो। आपको यहाँ थ्री वर्टिसेस दिए हुए हैं, जीरो माइनस वन, टू वन, जीरो थ्री। आपको कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो, उसके बाद जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसका एरिया निकालो। एरिया करना नहीं है, मिड पॉइंट तो करना है ना, मिड पॉइंट बताना है। किसी दो पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बोलो सहर्ष, फॉर्मूला बोलो मिड पॉइंट। किसका फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला करना नहीं है, बस मैंने इतना ही बताना। सो जाओ, याद रहे है क्या आपको, क्या याद है आपको? मैंने उस दिन भी कहा था ना क्लास में, ध्यान से सुनो। अरे अब तो जब आप स्कूल आ रहे हो तब तो आप रेगुलर ही हो, सिर्फ एक दिन जब क्लास ऑनलाइन थी उसके बाद से जब आप स्कूल आ रहे हो तब ये यही चल रहा है चैप्टर, तब भी नहीं आप सुन रहे, कर क्या रहे हो फिर बैठ के? आज कौन से चैप्टर का टेस्ट है, आज कौन से चैप्टर का टेस्ट है हिमांशु, कौन सा टेस्ट है आज? लास्ट कौन से चैप्टर का टेस्ट है, जल्दी बोलो। हाँ जी, नेम क्या है उसका, कौन से चैप्टर का टेस्ट है? हाँ जी, मुझे पता था इसको ही पता होगा, इधर से एक दो को पता होगा, उस क्लास में तो एक को भी नहीं पता था, पता है? तभी मैंने पूछा, मैंने कहा देखूं क्या पता है, पता था तरुण। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, टू प्लस जीरो अपॉन टू, वन प्लस माइनस वन अपॉन टू, वन कॉमा जीरो। ठीक है, ऐसी सबके वर्टिसेस निकाल लेने मिड पॉइंट से, जितनी बार फॉर्मूला बोलते जाओगे लर्न हो जाएगा आपको, इसलिए बार बार, मेरे को कोई इंटरेस्ट थोड़ी है मैं आके रोज स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ, इसलिए ही बोलती हूँ कि आप शायद कहीं सुन लो, शायद कुछ समझ में आ जाए। अब आपने जब मिड पॉइंट निकाल लेने ना, फिर इसका एरिया निकालना है, लेकिन एरिया नहीं है तो इसलिए मिड पॉइंट बता दिया, वो ऑलरेडी किया हुआ है हमने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ एक्सरसाइज, एंड फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑप्शनल, दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द फोर फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो फोर्थ एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन है सारे फॉर्मूलाज के, ठीक है? तो ये करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखो 7.4 क्वेश्चन नंबर वन, यस, यू हैव टू फाइंड द रेशियो, पहले सुन लो इधर, बाद में नोट करना, सबसे मेन है अंडरस्टैंडिंग, सुनने से आपको बहुत कुछ समझ आएगा, और जब समझ आ जाएगा तो लिखने के लिए मैटर भी मिल जाएगा, और जब समझ ही नहीं आया तो लिखना क्या है, इसलिए पहले सुनो, बाद में अपना पेन चलाओ, पहले सुना करो सिर्फ। ये जो लाइन है ना, ये इस ए बी लाइन के ऊपर कहीं से पास कर रही है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशियो, किसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, वही रेशियो आपने फाइंड कर दी। बात समझ आई? वैसे आपके पास क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट होता था दैट इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी इन सम रेशियो, पॉइंट होता था, लेकिन अब पॉइंट की बजाय पूरी लाइन है। लेकिन लाइन होती क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, और जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन, कोलिनियर है बिकॉज दे आर मेकिंग वन स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, इसका मतलब ऑल दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, और जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को क्या करता है,
सेटिस्फाई करता है, कोई भी पॉइंट दे रखा है वो इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब पुट करने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। अब आपने यहां पर ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन पे से भी पास कर रहा है और इसके इसको भी कट कर रहा है दो पार्ट्स में, और किस रेशियो में फाइंड करना है, दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि हमें तो पॉइंट निकालना ही आता है सेक्शन फॉर्मूला से, लाइन के रिगार्डिंग तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो पॉइंट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से निकालोगे वो इसका क्या है सॉल्यूशन, वो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। बस यही करना है, सेक्शन फॉर्मूला से एक्स वाई निकालना है, जो एक्स वाई आएंगे वो यहाँ पुट कर देने के आ जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालनी है ना, पॉइंट भी मिसिंग है रेशियो भी मिसिंग है। पॉइंट तो निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन के कहाँ से आएगा इसमें से। ठीक है, तो वही करना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि पॉइंट की बजाय पूरी लाइन आ गई, और लाइन क्या कर रही है किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये दोनों पे कॉमन है, तो पहले ये पॉइंट निकालेंगे। राइट डाउन, ड्रॉ कर लिया ये ड्रॉ जरूर किया करो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट, विच डिवाइड ए बी, विच डिवाइड ए बी इन के रेशो वन। फॉर्मूला बोलो, बोलो दीक्षा, के वाला फॉर्मूला बोलो, सेक्शन फॉर्मूला के। ये जो दो बोलते हो आप, ये हैं क्या रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला? तो है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एक्स और वाई। ठीक है, हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए हम क्या बता रहे हैं, ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हैं, तभी तो इसको पी एक्स वाई के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे के टाइम्स एक्स टू। एक्स टू क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अपॉन के प्लस वन, के सेवन माइनस टू अपॉन के प्लस वन। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई पहले वाली और ये वाई, इसको ठीक तरह से लिख ले, थ्री के प्लस टू अपॉन के प्लस वन, ये क्या है सेवन के माइनस टू अपॉन। अब ये इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू है थ्री के प्लस टू अपॉन के प्लस वन, वाई की वैल्यू सेवन के माइनस टू अपॉन के प्लस वन। सॉल्व कैसे करेंगे, अपॉन वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताना पड़ता है आपको कि अब करना क्या है। आप एक साल में पूरा सो ही गए हो, भूल ही गए कि करना क्या है हमने। अब उठ जाओ, अब टाइम नहीं, अब तो बस स्टार्ट है समझ लो, बस एग्जाम आते जाएंगे ऐसे ही, कब टेंथ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। के प्लस वन को के प्लस वन से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव यू वन, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे डजंट मेक एनी डिफरेंस, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स के प्लस, फिर मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हो मना करने के बाद भी, बोलो लिखने की बजाय बोलो, पहले आना चाहिए आपको। इसको इससे डिवाइड करेंगे वन, ये सेम आ जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ब्रैकेट आती, साइन चेंज होते, लेकिन अभी प्लस है तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, ऐसे लिख दो, माइनस फोर के, मैं ब्रैकेट ओपन कर दू, ऐसे लिख दू, ध्यान से करना आप, अगर आपको लगे हम नहीं कर पाएंगे तो एक स्टेप लिख लेना, जल्दी के चक्कर में गलती मत कर देना, बस ये इधर जाके जीरो। ठीक है, सिक्स के प्लस सेवन के, थर्टीन माइनस फोर नाइन के, प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल, क्या बच गया इक्वल टू, के इज इक्वल टू टू बाय नाइन, के है क्या के बाय वन, तो क्या आ गई रेशो टू रेशो, रेशो आ गई। अच्छा अब ये रेशियो आई है, अगर आपसे पूछे पॉइंट निकालो ये वाला,
नहीं फिर क्यों लगाएंगे फॉर्मूला भाई, के आ गया, हाँ जी पुट कर देंगे, किया था ऐसा क्वेश्चन बता सकते हो जो आप कल कह रहे थे मैम होमवर्क में दिया था हुआ नहीं, के रेशो वन 3/2, 0 जिसका आंसर आ रहा था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 था 7.2 का, वही क्वेश्चन है सेम, बस पॉइंट की जगह लाइन है और कुछ है ही नहीं, पॉइंट पूछे तो के की वैल्यू 2/9 इस पूरे में पुट कर देना, इस पूरे में आंसर आ जाएगा, अच्छा लिखता है बड़ा भी कर, पढ़ता कम ही है, बहुत अच्छा किया, थैंक यू, मेरे लिए नहीं अपने लिए किया है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी क्लियर है हिमांशु, क्लियर, सेकंड क्वेश्चन रीड करो, बताओ जरा कैसे करेंगे, मैं बता चुकी हूँ सेकंड क्वेश्चन, आप बताओ किस टाइप का है, इसका नेम क्या बताया है, पुष्कर है, कोलिनियर, कोलिनियर में क्या करते हैं, एरिया जीरो, फिर बताना पड़ेगा एरिया जीरो, ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर एरिया निकालते हो तो सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन रिलेशन निकालना है वन नंबर में तो एरिया ही यूज करना है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो आपसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, नहीं होता हो क्योंकि होता ही नहीं है उससे, ठीक है, चलो करो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द रिलेशन, रिलेशन मींस इक्वेशन, रिलेशन मींस इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई में, बताया था मैंने रिलेशन और इक्वेशन एक ही बात होती है, और रिलेशन का मतलब है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन AX + BY + C = 0 के फॉर्म में, याद है 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 किया होगा आपने, सेम वैसे ही AX + BY + C टाइप की इक्वेशन आएगी, वो फाइंड करनी है, 3 पॉइंट्स गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला याद है सहर्ष कैसे करेंगे एरिया का फॉर्मूला, शक्ल से तू इंटेलिजेंट है मैंने देख लिया, वैसे काम खराब ही है, शक्ल तो ठीक है इंटेलिजेंट वाली लेकिन पढ़ता नहीं तू, हिमांशु बोलो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताया है, कौन सा फॉर्मूला है, कोलिनियर, अभी के वाला क्वेश्चन किया था ना कोलिनियर, एरिया इक्वल टू जीरो, एरिया का फॉर्मूला कौन सा है जो लिखा था x1 y1 x2 y2 x3 y3, फर्स्ट वाला रिपीट और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाओ, ये भी मुझे बताना पड़ रहा है, पेपर में कौन चलेगा साथ, नहीं साइन, जैसे सपोज करो -10 है, अब माइनस पूरे 10 के साथ है, लेकिन जो पहले वाली टर्म थी -2k + 8 उसमें 2k का साइन माइनस था, तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, पूरी टर्म का साइन चेंज होता है, या तो माइनस कॉमन ले लो फिर माइनस का प्लस बना दो फिर चलेगा, हाँ वैसे ही ले आओ, बाहर ले आओ, मानशु अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो अभी भी, समझ आ गया, हाँ जी लास्ट फॉर्मूला पता चला है कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा, हाँ इक्वेशन ही बनेगी, 2 वेरिएबल की सॉल्व नहीं होती, 2 वेरिएबल के लिए क्या चाहिए सॉल्व करनी हो तो, हाँ जी बिल्कुल, 2 वेरिएबल्स मींस यू नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व एक्स एंड वाई, सिंगल इक्वेशन क्या सॉल्व होगी, कुछ भी, धवनेश हैविंग एनी डाउट, इक्वेशन बन रही है x + 3y - 7 = 0, करो करो करो, ठीक कर रहे हो, 2 कॉमन, ये भी बताना पड़ता है, देखो 2 कॉमन, x - 3y - 7 उधर जाके 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा x + 3y - 7, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा, हो गया पुष्कर डन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बना लो जिन्होंने करनी है, फिगर बनाओ अपने आप, बैठा मत कर, काम किया कर जल्दी जल्दी। हो गया क्वेश्चन नंबर टू डन। इधर बॉयज में से किसने नहीं किया क्वेश्चन नंबर टू अभी भी? हो गया क्या हुआ? हो गया, दिखाओ, नहीं हुआ ना? हाँ जी, थर्ड में सेंटर फाइंड करना है, तीन पॉइंट जो है ना वो सर्कल पे गिवन है, कहीं पे भी ड्रॉ कर दो। नहीं नहीं क्यों, ये सेंटर है, ये तीन पॉइंट है, ये तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसे ओ दे दो, इसे ए, इसे बी, इसे सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। OB is equal to OC, second equation मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व कर दो। O is the center, that is center को क्या लेंगे? जीरो जीरो मत ले लेना, क्योंकि कहा नहीं किसी ने ओरिजिन है, एक्स वाई। ठीक है, एक मिनट जरा स्टार्ट करते हैं, आप लोग तब तक कर लो स्टार्ट। आप में से किसका सेकेंड क्वेश्चन रहता है, मैं करवा देती हूँ अगर कोई डाउट है तो। हो गया आपने लास्ट, दिखाना जरा क्या किया इधर, पुष्कर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटर को ले लो, लेट ओ एक्स कॉमा वाई बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, नेम दे दो कौन से हैं, ए बी सी लिख दो, ए जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, बी फिर सी। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल भी लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये इक्वल है, इक्वेट तो करेंगे, ये आएगा कहां से? इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा। फिर ऐसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, फिर रेडियाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो करो स्टार्ट। ए बी नहीं लिखने हैं, एक लाइन तो लिखनी है और वो भी नहीं लिखेंगे पूरी। फिर सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट दे दो साथ में, यहाँ लिखनी है वो पूरी लाइन, जैसे इसने नहीं लिखी। मैंने बोला है ना, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए दिस बी सी, पूरा लिखो यहाँ पे पॉइंट्स।